तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई मूवी आ रही है। थैंक्स टू यू गाइस जिन्होंने मुझे कमेंट में मेंशन किया कि इस ट्रेलर को देखो, तब जाके मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई एक मूवी आ रही है। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अयालन ट्रेलर। स्टे ट्यून्ड। तो ये ट्रेलर मुझे दो YouTube चैनल्स में दिखी, एक था सन टीवी और एक था सोनी म्यूजिक साउथ। जो सन टीवी है वो एक चेन्नई बेस्ड चैनल है जिसमें ज्यादा व्यूज हैं, और जो सोनी म्यूजिक साउथ है उस वाले वीडियो में तेलुगु मेंशनड है, और दोनों में ही ट्रेलर एक ही टाइम पे अपलोड हुई है। सो आई एम गेसिंग दिस इज अ तमिल मूवी, और मुझे इंटरनेट में भी वैसे ही मिला। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल, आई डोंट अंडरस्टैंड तेलुगु, तो मुझे इस मूवी का कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। जितने इंटरव्यूज मैंने देखे, जितने आर्टिकल्स मैंने पढ़ने की कोशिश की, जितने यूट्यूब वीडियोज मैंने देखे जो फैंस लोगों ने बनाया, सारे रीजनल लैंग्वेजेस में थे, तो मैं उतना ज्यादा उनसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो मैं जो भी बोलूंगा वो ओनली बेसिस ऑफ द ट्रेलर जो हमें दिखता है उसके बेसिस में ही बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो पता चला कि इस मूवी का बजट इज अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़, और अगर वो बात सही है कि ये मूवी अगर 50 करोड़ में बन रही है या फिर बन गई है, तो बाय जस्ट लुकिंग एट दिस फ्रेम आई फील दिस इज वर्थ इट। अभी कल परसों ही मुझे एक हेट कॉमेंट आया था कि मैं बायस हूं, मैंने गणपत के VFX को गलत बोला, बट जस्ट लुक एट दिस फ्रेम एंड लुक एट दिस फ्रेम, लाइक बजट के बारे में बात भी नहीं करते, जस्ट क्वालिटी देखिए। एनीवे, एक चीज जो ओवरऑल मुझे इस ट्रेलर के बारे में अच्छी लगी कि ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी CGI हैवी ट्रेलर, एंड किसी भी CGI में तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली, मतलब अगर हम लोग बेयर बोन्स में बात करें तो एक होता है लाइटिंग, एक होता है टेक्सचरिंग और एक होता है एनिमेशन, जिसमें इन माई एक्सपीरियंस टेक्सचरिंग इज कंपेरेटिवली द ईजियर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इजी है, कंपेरेटिवली इन तीन प्रोसेस में से टेक्सचरिंग इज द ईजियर, इसीलिए आप रियलिस्टिक लुकिंग स्टिल्स आप 3D में बहुत अच्छे से बना सकते हो। इनफैक्ट जब हम लोग सीख रहे थे आज से 15 साल पहले, तब भी जस्ट अ फ्रेम, लाइक रियल लुकिंग फ्रेम, एक कार हो, एक सोफा हो, ऐसा हम लोग के लिए बनाना बहुत ईजी था। उसके बाद जो होता है दैट इज लाइटिंग, लाइटिंग इज ऑल्सो कंपेरेटिवली ईजी। जो सबसे मुश्किल होता है दैट इज एनिमेशन, बिकॉज एनिमेशन इज लाइफ, राइट, एंड वेन वी डू एनिमेशन वी बेसिकली कम्पीट विथ नेचर। और जब हम लोग एनिमेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो मैं सिर्फ एलियन एनिमेशन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कैरेक्टर एनिमेशन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आप इस शॉट में देखिए, ये जो शॉट है, इस शॉट ने ना मेरा ऐसे दिल ले लिया, क्योंकि आप देखिए दिस इज बेसिकली सिंपल शॉट कि एलियन इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, और जो स्टेयर्स है वो एलियन स्टेयर्स है जो फॉर्म हो रहा है। आप इस जो एकदम छोटा सा शॉट है, इसका आप रिदम सोचिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, नॉट नेसेसरीली कि आप किसी मूवी में ही काम करते हो, अगर आप छोटे से किसी एजेंसी में काम करते हो, आपको कुछ छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है, आपको दुर्गा पूजा का कोई विशिंग पोस्ट बनाना है, दशहरा का कोई विशिंग पोस्ट बनाना है, अभी किसी भी ब्रांड के लिए कोई भी काम होता है, सपोज आपको दुर्गा पूजा का ही विशिंग पोस्ट बनाना है कि दुर्गा माँ की आँखें बनेंगी, वो खुलेंगी, फिर टेक्स्ट आएगा, थोड़ा म्यूजिक एंड ऑल एवरीथिंग, तो हर चीज़ में ना एक रिदम होता है, ठीक है। एनिमेशन में एक कोरियोग्राफी हमेशा होती है। आप यहाँ भी देखिए, द एलियन इज गेटिंग डाउन, तो वो एकदम ईज वाला जो जर्क होता है वो इतना अच्छे से होता है, एंड विद दैट जर्क वो नीचे का जो स्टेयर है वो भी फॉर्म हो रहा है, एंड दिस इज इन सिंक। और यही प्रॉब्लम है कि जब कोई काम अच्छा होता है ना, तो उसमें समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई काम गंदे से होता है उसमें सीखना समझाना ईजी होता है। बट एनी वे दिस ओनली लुक्स ईजी, बट दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू, मतलब ये रिदम को समझना फिर करना, स्किल चाहिए इसमें। और एनिमेशन तो अच्छा है ही, और उसके साथ जो एक मेजर प्रॉब्लम होता है दैट इज मोशन ब्लर, ये मैंने बहुत बार बोला है अपने चैनल में, और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए, ये शरद कलकर हैं, तो उनके साथ एक CGI रोबोट का ये शॉट है, और दोनों एक मुक्का मारते हैं, राइट, इफ़ यू लुक एट दिस, तो ऑब्वियसली जो शरद कलकर है दैट इज रियल प्लेट, ये प्रॉपरली शॉट है, उनको ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया है, एंड लुक एट हिज हैंड, ये जो मोशन ब्लर है दिस इज एक्चुअल रियल इन कैमरा मोशन ब्लर। उसके साथ जो CGI रोबोट है, आप उसके हाथ को भी देखिए, एंड जस्ट कंपेयर दिस टू मोशन ब्लर, कितना अच्छे से हुआ है, कितना ब्यूटीफुली हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। अभी देखिए, मोशन ब्लर कुछ ऐसा नहीं है कि लोग जाके एक सब मैनुअली फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप एक 3D कैमरा लगाओगे, उसके सेटिंग्स और जो रियल कैमरा है उसके सेटिंग्स को सेम करोगे, लाइटिंग मिलाओगे, तो मोशन ब्लर नेचुरली आएगा, बट जो प्रोसेसिंग पावर होता है, जो टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसके चक्कर में लोग इसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और एक चीज़ है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, दैट इज CGI कॉन्टैक्ट।
मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेजॉरिटी ऑफ मूवीज में ना जब भी वो लोग जितना हो सके उतना जो CGI कॉन्टैक्ट मतलब कंपोजिटेड कॉन्टैक्ट है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट इस ट्रेलर में इस शॉट में आप देखिए दिस इज अ रियल कॉन्टैक्ट एंड दिस इज अ CGI कंपोजिट कॉन्टैक्ट एंड दिस इज फ्लॉलेस। इसमें निटपिकिंग करने के लिए भी कुछ भी नहीं है, दिस इज डन परफेक्टली। फिर ये जो माउस शॉट है ये अगर ये शॉट देखेंगे ना तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वो एंड गेम का लेवल का शॉट है। एंड गेम में जो चूहा निकलता है ना ऑलमोस्ट वो लेवल का ही शॉट है क्योंकि ये डेफिनेटली CGI माउस ही है। आप देख सकते हो कि वो माउस एक्चुअली ऊपर देखता है एलियन शिप की तरफ। सो ये एक्टिंग स्किल ऑब्वियसली माउस को सिखाना बहुत मुश्किल है, वो लोग कर भी सकते हैं बट इन माय अंडरस्टैंडिंग अगर ये CGI है तो बहुत अच्छे से काम हुआ है इधर। अब एनिमेशन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक शॉट है जहाँ पे वो एलियन जो है उसको छींक आती है एंड जस्ट लुक एट दिस शॉट लाइक डिड यू नोटिस समथिंग आई कॉल दिस एन एक्टर्स इनपुट। आप देख सकते हो ये जो हाथ का जो मूवमेंट है ये एक्टर लोग करते हैं अभी एंड दिस इज गोल्ड बाय द वे। ठीक है ये CGI में एक एफर्ट डाल के ये करना है दिस इज गोल्ड, ये बहुत अच्छा एक एनिमेशन है। बट फिर भी मतलब मैं उनको ड्यू क्रेडिट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ, बट क्या ये परफेक्ट है मतलब क्या ये एनिमेशन परफेक्ट है? नहीं है। आपको देख के मालूम चलता है कि ओके दिस इज अ CGI कैरेक्टर एंड दिस इज नॉट द मोस्ट परफेक्ट एनिमेशन। अब ये क्यों होता है पता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने आज तक कभी परफॉर्मेंस कैप्चर के साथ काम नहीं किया है एंड वाई परफॉर्मेंस कैप्चर वर्क्स बेटर फॉर एनिमेशन देन हैंड एनिमेशन, क्योंकि आई एम श्योर दिस इज एन हैंड एनिमेशन। मतलब आप अगर लास्ट शॉट को देखोगे ठीक है, लास्ट शॉट में इंटरैक्शन है एंड अच्छा एनिमेशन है, चेयर मूवमेंट है, सो आई एम श्योर दिस इज डन विथ रेफरेंस। मतलब उन्होंने रेफरेंस के लिए किसी को वहाँ पर डाला एंड उस रेफरेंस को देख देख के उन्होंने रेप्लीकेट करके उन्होंने एनिमेशन किया। जो सेम चीज़ मार्वल वाले भी करते हैं, एक्टर से पहले एक्टिंग करवा लेते हैं फिर उस एक्टर को ढक देते हैं CGI से। इसीलिए आप देखिएगा वो CGI में भी पता चलता है, वो एनिमेशन में भी पता चलता है कि दिस इज एनिमेशन, दिस इज नॉट रियल। व्हाट वी डू इज जस्ट रोटोमेट एज व्हिच इज फ्रेम बाय फ्रेम मैचिंग व्हाट टॉम वाज डूइंग। यहाँ पे भी सेम है कि ये एनिमेशन है करके पता चलता है। और ये क्यों पता चलता है पता है, जब आप परफॉर्मेंस कैप्चर करते हो तो इन रियलिटी इन नेचर जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके एनिमेशन में मतलब हमारे एनिमेशन हमारे डे टू डे एनिमेशन में बहुत सारे माइक्रो मूवमेंट्स होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम लोग को पता है लेकिन कॉन्शियसली उसको रिकॉग्नाइज करके उसको रेप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन परफॉर्मेंस कैप्चर में क्या हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है, इतना इजी नहीं है। आई नो परफॉर्मेंस कैप्चर में बहुत ज़्यादा घोस्ट एनिमेशन होता है, मैंने बात किया है घोस्ट एनिमेशन के बारे में पहले भी अपने वीडियोस में, उनको फिर मैन्युअली ठीक करना पड़ता है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ कुछ चीज़ें परफॉर्मेंस कैप्चर में इजी हो जाती हैं जिनको हैंड एनिमेशन में एवरी इनपुट देके करना बहुत मुश्किल है। और उसी से ये डिफरेंस पता चलता है कि ओके दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज एनिमेशन। एंड आई फील हैंड एनिमेशन का यही लिमिट है क्योंकि आप जितने सारे हैंड एनिमेशन देखोगे ना एक लिमिट पे जाके वो लोग रुक जाते हैं। मतलब इफ़ यू गिव इट इनफ टाइम टू कंज्यूम, मतलब आप अगर इनफ टाइम के लिए उसको देखोगे देन हैंड एनिमेशन पता चलता है कि दिस इज हैंड एनिमेशन। और यही जो मैंने नेचर वाली बात बोली इसी को लेके मैंने एक वीडियो में एक चीज़ बोली थी, इस वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे एक सीन था कि टर्मिनेटर में जब वो पिक्सेलेटेड पिक्चर को अपना आंडोल से क्लियर करता है एंड देन ही रिकॉग्नाइजेस कि ओके दिस इज जॉन कॉनर। तो मैंने बोला था कि ये कभी भी AI के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये मैंने बोला था और सब ने मुझे गलत समझा। सब ने बोला कि अरे भाई AI अभी इससे ज़्यादा कर सकता है, फेस रिकंस्ट्रक्शन ये वो। देखिए मैंने क्या बोला था बताया, वी कैनॉट कम्पीट विथ नेचर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि सपोज एक लड़का एक लड़की है ठीक है, उनका एक बच्चा हुआ, वो बच्चा उसके मम्मी की तरह भी दिखेगा पापा की तरह भी दिखेगा। अगर उन लोग के 100 बच्चे हुए वो 100 बच्चे भी मम्मी की तरह दिखेंगे पापा की तरह दिखेंगे, उनके अगर 1000 बच्चे भी हुए 1000 बच्चे भी मम्मी की तरह भी दिखेंगे पापा की तरह भी दिखेंगे। आप नेचर में पैटर्न्स देखिए, मतलब दो कॉम्बिनेशन से नेचर कितने सारे पैटर्न्स बना सकता है। इनफैक्ट आइडेंटिकल ट्विन्स भी कम्प्लीटली सेम नहीं दिखते। तो मैं ये बोल रहा था कि जब एक AI फेस रिकंस्ट्रक्ट करेगा वो आपको कितने ऑप्शंस देगा कि ओके इस फेस का इतने इतने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे टर्मिनेटर डार्क फेट में ही जो शुरुआत का जो आर्नोल्ड आता है, ऑब्वियसली दिस इज अ CGI आर्नोल्ड। अब ये देखिए ये फेस देखिए, दिस इज आर्नोल्ड
ये आर्नोल्ड है भी और आर्नोल्ड नहीं भी है। मैं ये बोला हूँ, सपोज आपको इस आर्नोल्ड का एक पिक्सेलेटेड फोटो मिला, आपने एआई में डाला और एआई ने ये आर्नोल्ड का फोटो बना के आपको दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली पैटर्न तो सेम ही है ना, एकदम एग्जैक्ट लो एआई नहीं बना सकता, मे बी थोड़ा अलग बनाएगा, बट अगर आप इस फोटो को देख के उस आर्नोल्ड को अगर आप अरेस्ट कर लोगे, मे बी यू आर अरेस्टिंग द रॉन्ग पर्सन। वी कैन नॉट बीट नेचर्स क्रिएटिविटी, वो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखिए कि इस ट्रेलर में भी ना जो रोबोट्स का एनिमेशन है वो थोड़े ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगता है, नेचुरल इन द सेंस वो थोड़ा ज़्यादा प्योर लगता है, क्योंकि नेचर रोबोट्स नहीं बनाती, तो हमारे पास ना रेफरेंस पॉइंट नहीं है। इसीलिए रोबोट के एनिमेशन में आप लिबर्टी ले सकते हो, रोबोट के एनिमेशन में आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। अभी ऑब्वियसली मैंने बोला कि एनिमेशन जितना हो सकता है उतना अच्छा है, टेक्सचरिंग लाइटिंग बहुत परफेक्ट है, बट इस चीज़ को एलिवेट क्या करता है पता है, क्योंकि उनको पता है उनके वीकनेसेस क्या है, और उस वीकनेस को ना उन लोगों ने सप्लीमेंट किया है। जैसे कि ये जंप आप देखिए, इस जंप के साथ जो ये कैमरा मूव है, दिस इज़ वॉट थिंकिंग इज, दिस इज़ वॉट इनपुट इज़, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे का जो बैकग्राउंड प्लेट है दैट इज़ अ रियल शॉर्ट प्लेट, और ये कैमरा CGI कैमरा मूव है, तो आप सोचिए जो मैच मेकिंग होता है या फिर ट्रैकिंग होता है उसमें कितना एफर्ट गया होगा, बट दे हैव डन इट टू मेक इट लुक मोर कन्विंसिंग। और अगर मुझे कुछ भी ऐसा बोलना है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा इस ट्रेलर के बारे में, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ट्रेलर के शॉट्स, स्पेशली इस ट्रेलर के शॉट्स ना, ऐसा लगता है कि मैं दो अलग अलग ट्रेलर देख रहा हूँ, मतलब इस शॉट के बाद अचानक से ये शॉट, ऐसा लगता है कि मैं किसी और ट्रेलर में आ गया। इन माय हम्बल ओपिनियन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग एंड ओवर डूइंग, बट मैं ज़्यादा नीट पिकिंग नहीं करना चाहता इस ट्रेलर के बारे में, इस मूवी के बारे में, बिकॉज जो मुझे पता चला कि जो इस मूवी के लीड स्टार हैं शिव कार्तिकेयन, उन्होंने पैसे नहीं लिए मूवी करने के लिए ताकि VFX अच्छा हो सके, एंड दिस मूवी इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम 2016 और अभी जाके रिलीज होगी। तो ये मेरे इस वीडियो का पर्पस यही है कि शायद मेरे वीडियो से थोड़े हिंदी स्पीकिंग लोगों को भी इस मूवी के बारे में पता चले कि अ मूवी लाइक दिस इज़ कमिंग अप, सो थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, लोग ज़्यादा सपोर्ट करें ऐसे मूवीज़ को जो पैशन प्रोजेक्ट होते हैं, जो अच्छे दिल से बनते हैं, एंड आई विश ऑल ऑफ देम ए वेरी बेस्ट। आई विश कि कहानी अच्छी हो, देख के मज़ा आए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी ऑन दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हो। सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी वीकेंड।